चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। सनोज उठो, तुम मर चुके हो। कहीं नहीं आ रहा ना लायक कहीं का। तुम भूत बन चुके हो, उठो अब। ऐसा है, रास्ता खाली करो, हवा आने दो। हेलो, तो स्वागत है आपका एक और न्यू गेम प्ले में। एंड आज की ये वाली वीडियो बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है। 2 से 3 दिन बाद ये वीडियो मैं लाया हूँ, क्योंकि भाई मैं थोड़ा फंसा हुआ था एंड अक्सर मेरे साथ ऐसा होता रहता है एंड इसीलिए मेरा चैनल भी ठप हो चुका है। तो अभी तक जो जो मेरे चैनल पर बने हुए हैं तो वीडियो को लाइक कर दिया करो एंड भाई प्लीज़ जो भी नया आता तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो। अभी फिलहाल जिस 3 स्टोरी पर मैं कूदा था यहाँ पर काफ़ी बंदे आए हुए थे। बेचारा बंदा भी मेरे हद से चढ़ गया। अभी यहाँ पर जैसे तैसे मैंने लूट की, एक मोली अंदर आई, एक और जला दिया गोलू भाई। अब भाई इस बंदे को मैंने भरा एंड मुझे यहाँ पर लग रहा था कि आसानी से सभी बंदों को मैं भर दूंगा। अब पीछे से मेरे को जैसी गोलियां पड़ी नहीं, मैं काफी हद तक डैमेज हो गया था। अब इजीली मैंने हील भी कर ली, बट यहाँ पर ना इस टीम के और भी बंदे आने वाले थे एंड मेरी एक बहुत बड़ी गलती। अब यहाँ पर जैसे टांग टूटा चूहा होता है ना, ऐसे बढ़ता हुआ मैं आगे पता नहीं क्या लेने जा रहा था। हो जाता है कभी कभी, नूबड़ा हूं ना मैं पक्का वाला, तो ऐसा मेरे साथ अक्सर होता रहता है। लेकिन भाई तुम्हारा भाई प्रो भी काफी हद तक है। दोबारा जंप की वहीं पोचंकी के अंदर एंड पोचंकी में फिर से जितने बंदे बचे हुए थे ना, सबके अंदर तबाही मचानी थी। अभी फिलहाल यहाँ पर मैं आया एंड अच्छी खासी लूट मैंने अपनी पूरी कंप्लीट की एंड लूट करने के बाद देखो भाई, जहां भी अगर अपन कूदते हैं तो लूट की तो पहले जरूरत होती है, वही सेम कंडीशन मेरे साथ भी होती है। तो फिलहाल पहले मैंने अपनी लूट की एंड उसके बाद एक एक करके सारे बंदों को बढ़ते हैं। अब इस नीले वाले घर में बंदा था, अब लिटरली ये बंदा मैंने भर ही दिया था, लेकिन उससे पहले मेरे टीममेट अराइजन ने इसको मार दिया। अभी सामने वाले घर में एक और बंदा था एंड उसको देखो मैं कितना गलत मारूंगा। अभी इस स्मोक के अंदर मेरे टीममेट को तो अभी तक कुछ पता ही नहीं हुआ क्या, मतलब अंधी गोलियां बरसाने से मतलब है, ऐसा भी होता है कभी कभी। तो फिलहाल अभी इन बंदों को मैंने भरा, मेरे टीममेट्स ने मेरे को लोकेशन दी कि जिस साइड वो हैं सारे के सारे उधर ही बंदे हैं। अब यहाँ पर कमाल होने वाला, ये देखो पहले। अब इस घर के अंदर बंदा था जहां पर मैंने मोली की थी, उससे पहले एक फ्री का किल। अब भाई उस ऊपर वाले बंदे को मारते हैं पहले। मार देना, मरवाए तने हम। अब भाई मैं ना देख लो, अब बिल्कुल 2 HP बचा हुआ था कि अगर एक गोली भी उस बंदे की मेरे को लगती ना भाई मैं पेल दिया जाता। लेकिन अपने पास विक्टर है तो विक्टर कहते हुए डरना नहीं है, विक्टर समझ रहे हो ना। अभी फिलहाल अभी बंदे चारों तरफ बहुत सारे बचे हुए थे तो पहले एक एक करके अपने किल इकट्ठे करते। अब जो बंदा भाई सामने वाले स्क्वाड हाउस से हमारे लिए मुसीबत बन रहा था, मैं उसको मारने की प्लानिंग कर ही रहा था, उससे पहले पहले तुरंत मतलब मेरे साथ जो ऐसी घटना घटी ना, वो देखकर आपको भी लगेगा कि भाई क्या रिफ्लेक्स दे रहा था भाई, और ऐसे आराम से मर गया। अब भाई इस नेड का तो हकीकत में मुझे पता ही नहीं चला, मतलब स्क्रीन पे आता है ना वो डीपर मारता रहता है, वो भी नहीं आया था। लेकिन यहाँ मेरे टीममेट मतलब तीन टीममेट मेरे नोक थे, अभी एक ही बचा हुआ था, वो था राइजन एंड उसके क्लच की वजह से यहाँ पर कितनी आसानी से उसने मुझे बचाया वो भी आप देखो। एंड उसके लिए मेरे लिए नहीं तो उसके लिए एक लाइक कर दो, क्योंकि भाई मेरे टीममेट्स मेरा बहुत ज़्यादा साथ देते। तो फाइनली यहाँ पर पहले मैं रिवाइव हुआ एंड रिवाइव होने के बाद अभी जो बंदे पोचंगी के अंदर बचे हुए थे ना उनको भरने की बारी थी। अभी ऐसा नहीं था कि पोचंगी में सारे बंदे खत्म हो गए, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आने वाला था अभी पोचंगी की फाइट में, क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्वाइव वाली एंड भाई रिफ्लेक्स ये चीज़ें तो बहुत आम थी। अब भाई सामने बंदे डैमेज पीछे आ गया जी, अभी M4 ले रहे हूँ।
अब मैंने इस बंदे को मार दिया था, बट यार मेरा जो टीममेट था वो कंफ्यूजन में रह गया कि मैंने जो है ना लेफ्ट अपने लेफ्ट वाला बंदा मारा है, एंड वो सीधा ओपन में चला गया। लेकिन उसके साथ जो दुर्घटना घटी ना वो देखने वाली थी, क्योंकि भाई उसको नोक फिनिश तुरंत किया गया, एंड वो मुझ पे थोड़ा भड़का भी कि तूने बताया कि नहीं, क्यों नहीं, कि बंदा कौन सा मारा है। तो मैंने भी सीधा जवाब दिया, अंधे खुद देख लेता तो फिलहाल जो सामने बंदे था एंड पीछे वाले बंदे सबको भरते हैं एक-एक, एंड वो पीछे वाला कमीना बंदा भाई सच्ची में हैकर बोल रहा होगा, एंड सच बता रहा हूँ रिपोर्ट तो की होगी। अब मुझे लग रहा है कि मतलब ऐसे मारा कि मैं मतलब एकदम चुन्नू सा दिख रहा था, तभी फेल दिया। अभी फिलहाल अभी जो बाकी बंदे बचे हुए उनको भरते हैं। अब यहाँ बंदे भाई नीचे छोड़ो, ऊपर आसमान से भी बारिश पड़ रही थी बंदों की, लेकिन इन बंदों को भरना मेरे हाथ में था, क्योंकि भाई मेरे हाथ में गन थी, गन तो उनके हाथ में भी थी, लेकिन तुम्हारा भाई प्रो है ना, समझ रहे हो, अभी तक नूब था प्रो। अभी फिलहाल जो बंदे सामने थे उनको एक एक करके भरते हैं। जमीन में क्यों बाहर दिया तूने इसको? अब यार इस अकेले बंदे ने इतना सर्वाइव करा दिया। अभी तक तो मैंने पूरी पोचंगी में इतना सर्वाइव नहीं किया था कि एक जगह पर बैठा रहूं, लेकिन इस कमीने ने मतलब ऐसी पोजीशन होल्ड कर ली थी ना, मेरे को फांस दिया था। तो फिलहाल कुल मिलाकर इसको भी भर दिया, तुम्हारे भाई तुम्हें मतलब समझ रहे हो ना, प्रो मानो बिल्कुल। अभी फिलहाल अभी जो बाकी बचे हुए बंदे थे उनको एक एक करके भरते हैं, एंड वो बंदे भी मेरे टीममेट के लिए मुसीबत बनने वाले। अब पहले बंदे को मैंने डाउन किया, एंड एक फ्री का किल बोट का। अभी यहाँ एक दो बंदा और था, जल्दी मार इसे। अब इस बंदे को मैंने डैमेज दे दिया था, एंड मेरे को पता था कि इसको मैं मार सकता हूँ। अभी लो इसके साथ इस बंदे की भी पेटी से निकला एक, वो भाई कलर का नाम इंग्लिश में याद नहीं है भाई, मतलब निकला धुआं निकला, नीला नीला बोल दो। अब भाई नीला नीला धुआं निकला। अब मेरा टीममेट नॉक था, मैं जैसे उसको रिवाइव करने पहुंचा सामने मेरे बंदे को, मुझे ना बंदे की लोकेशन मिल गई थी, एंड ये बंदा ना कुछ ज्यादा ही प्रोपंथी में आ रहा था, एंड इसका एक टीममेट पीछे था। अभी लो इसके साथ ये भी बेचारा, वही इंग्लिश तो याद नहीं है, मतलब वही नीला नीला धुआं निकल रहा है, ब्लू बोलते नीले को, लेकिन ये कुछ ओ है, वो बैंगनी कलर जो होता है वो है यार, इसकी इंग्लिश नहीं पता। चलो छोड़ो यार, वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब वहां से हम लोग निकलते हैं, एंड यहाँ ना टीमें दो दो होने वाली हैं, एक सामने की तरफ एंड पीछे की तरफ। जो पीछे वाली टीम आएगी ना वो सरप्राइज टीम होने वाली है मेरे लिए भी एंड मेरे टीममेट्स के लिए भी। बट यार मुझे थोड़ा थोड़ा मतलब थोड़ा थोड़ा माइंड में था कि पीछे से एक टीम है, क्योंकि जब हम उधर से आए थे ना तो गोलियां पड़ी थी, एंड वो पीछा करेंगे मुझे लग रहा था, लेकिन मेरे टीममेट्स ऐसा कुछ नहीं समझ रहे थे, ओपन में गाड़ी रुकवा दी थी, एंड इसी के चक्कर में यहाँ मेरे कई सारे किल ड्रॉप हुए, मतलब समझ रहे हो ना, मेरे हाथ से निकल गए। अभी फिलहाल जो गाड़ी मतलब पीछे से आई थी, मुझे पता चल गया था कि गाड़ी आएगी, तो फिलहाल जैसे ही मैं यहाँ आया, अब यार मेरी भूख भी कुछ ज्यादा ही हो गई थी, क्योंकि भाई चारों तरफ ऐसे पागलों की तरह स्प्रे मार रहा था। भाई ऐसे नहीं करना चाहिए था, एक एक बंदे को मारता ना मेरा एक दो किल तो आराम से बन जाता, लेकिन यहाँ किल पता कितने मिलेंगे, एक, समझ रहे हो ना। अभी फिलहाल जैसे तैसे मैंने स्मोक भी स्मोक किया, एंड उल्लू के पट्ठों की तरह सीधा उस घर में घुस गया। देखो लो बिना मतलब विक्टर है ना, ये चढ़ जाता है गाड़ी पर। अभी फिलहाल इस बंदे को भरते हैं, थोड़ा ज्यादा बोलता हूँ यार इसके लिए, समझ रहे हो, पिछली कमेंटें भी देखी थी मैंने। अब यहाँ पर मेरे टीममेट्स काफी मुसीबत में फंसने वाले, क्योंकि भाई वो सीधे चढ़े एंड उस नेड के हत्ते चढ़ गए जो उस बंदे ने पहले ऑलरेडी कर चुका था। अब भाई अकेला वो बंदा था, एंड उसको मैं भरता हूँ, एक नंबर टेन भाई, क्या ही मारा भाई, ये तो बहुत प्रो बंदा था, तुमने मार दिया इसको। अभी मेरे टीममेट के ये रिएक्शन के बाद मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई। अभी फिलहाल जो बंदे पीछे आ चुके थे अब उनको भरने की बारी थी, तो तुम्हारे भाई ने पहले तो थोड़ा बहुत डैमेज देने की लोगों को कोशिश की, जब नोक नहीं हुआ
तो भाई जब घी जो है ना सीधी उंगली से ना निकले तो टेढ़ी करनी पड़ती है। तो फिलहाल मैंने स्मोक बनाए एंड सीधा इन बंदों पर घुसा। उसी के साथ मेरे टीममेट ने मेरे को सहारा दिया बहुत ज्यादा, एक बंदे को नोक कर दिया था एंड एक किल भी यहाँ पर मुझे मिल गया। अभी फिलहाल देखो ये फाइट बहुत ज्यादा मजेदार होने वाली है, क्योंकि यहाँ ना मेरे एक टीममेट भी गंवाने वाला हूँ मैं। क्योंकि मैं मजेदार बताता हूँ मैं उस फाइट को जो मेरा टीममेट गवाया जाता है ना, लेकिन मुसीबत बनती है मेरे लिए, बट मजा आता है क्योंकि भाई टीममेट की तड़प देखने में मजा आता है। फिलहाल जो सामने बंदा उसको भरते हैं। बाहर की साइड हो जा, बैठा ऊपर, मुझे बता रहे हैं भाई तुम नेड करोगे। नहीं नहीं ये हो गया, तेरे आगे एक नॉक है, चल। अब इतना मत हिल, घुस जा भाई। अब फाइनली ये बंदा बहुत ज्यादा फुदक रहा था, बट यार तुम्हारे भाई के हाथ से बचना नामुमकिन। अभी फिलहाल जिसने वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना वो कर दो। अब भाई हम लोग यहाँ से निकलते हैं एंड जोन के अंदर जाते हैं। अब यहाँ का कमाल कुछ अलग ही होने वाला है, जो जहाँ पर ना मेरे टीममेट की भी कुछ गलतियाँ रहने वाली हैं। बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा था ना इस वजह से, भाई मैं तो मरता ही नहीं यार, मेरा टीममेट मरवाते हैं यार मुझे। भाई मैं सही बता रहा हूँ, मेरे टीममेट मरवाते हैं। मैं तुम्हें लग रहा है कि मैं मर सकता हूँ? फिलहाल सामने पीछे वाला जो बंदा था उसने मेरे टीममेट को नोक मारा एंड जैसे ही वो नोक हुआ ना पूरा गेम ही खराब हो गया भैंचो। अभी फिलहाल देखो यार क्या सीन बनने वाला है। Watch out! पीछे से गोलियां तो पड़ी थी लेकिन तुम्हारे भाई का ये जादू स्प्रे यहाँ पर काम आया एंड उस बंदे को तो मैंने नॉक कर दिया था एंड अपने टीममेट को रिवाइव करने की बारी थी। बट यार देखो कुछ कमाल का ही खेल था ये, जैसे ही मैंने रिवाइव का बटन दाबा ना रिवाइव का सर्किल घूमा भी, बट पता नहीं ना जाने कैसे मतलब मेरा पता नहीं क्या हुआ था। अभी फिलहाल देखो यार क्या सीन बनने वाला है। अब मैं अपने टीममेट को रिवाइव करने गया, रिवाइव करने के बाद ये देखो रिवाइव का स्टार्टिंग हो चुकी थी, बट यार अब यहाँ पर इतनी घटिया कैंपिंग इन लोगों ने बिछा रखी थी ना, मतलब पिछला वाला बंदा भी नोकता है एंड ये बंदा भी वहां पर दीवार के ना पास में लेटा हुआ था। अगला गेम और इस वाले गेम छोटा होने वाला है लेकिन रिफ्लेक्स आतंक वाली। अभी फिलहाल देखो भाई ऊपर से कूदा डायरेक्ट घर के अंदर। अब यहाँ पर बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, जितने बंदे आसपास आए थे ना। अब भाई यहाँ पर प्लेन में चैलेंज भी हुआ था। अब भाई ये जो बंदा था ना सामने वाला, इसको देखो मैं कितना गलत मारने वाला हूँ। अब ये बेचारा पहले से ही कहीं से पिट के आया था थोड़ा बहुत। अब भाई उसी के साथ मैंने भी इसकी पिटाई लगा दी। अब भाई इसको तो मैंने भर दिया। अब यहाँ पर ना मुझे लूट की ज़रूरत थी क्योंकि बंदे बहुत सारे थे चारों तरफ एंड इन सारे बंदों को मारने की ना मैंने ठान ली थी कि सारे बंदे भरूंगा एंड बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्स के साथ ये वाला गेम प्ले होने वाला है। छोटा है बट रिफ्लेक्स मतलब समझ रहे हो ना बहुत तगड़े। अब भाई देखो अब सामने वाले बंदे से मेरे को एक सामने वाले घर से ना मेरे को एक बंदे की लोकेशन मिली थी, तो मैंने पहले मोली की एंड मोली करने के बाद जैसे ऊपर गया ना वो बंदा तो कुछ अलग ही ट्राई करने में लगा हुआ था, उसको देखो। बट यार ये जाता जाता पिट गया, लेकिन अभी तक आप लोगों को लग रहा हो कि इसी घर के अंदर है, लेकिन ये तो भाई इससे भी पिछले वाले घर के अंदर है। एंड जो मीम आप लोगों ने स्टार्ट में देखा था ना वो छोटी सी क्लिप जिसके लिए आप हंसे थे काफी टाइम, लो मुझे पता है इतना अच्छा मुझसे कुछ बनता ही नहीं जो आप हंसो, लेकिन हंस जाया करो यार। तो सामने वाली घर गए ना वो ही बंदे थे जिसके ऊपर मैंने वो छोटी स्टार्टिंग वाली क्लिप बनाई थी, तो वहाँ पर देखो कितनी आसानी से इन लोगों को मैं भरूंगा। तो यहाँ से मुझे उस बंदे के रिवाइव होते हुए पैर दिखे दीवार के आर पार। भाई इन दोनों को मेरा मारा तो भाई इनके चाचा का लड़का दूसरी साइड उस घर में बैठा हुआ था, तो उसको भी एकदम जेलसी फील हुई एंड वो भी उठ उठ के डुबक डुबक करके गोलियां चला रहा था, लेकिन इसको नहीं पता था जैसी मेरी हील लगेगी इसकी पिटाई होनी स्टार्ट हो जाएगी। अब भाई मैं सीधा उस घर में गया एंड कैसे उसको भरता हूँ वो आप देखो। भाई ये चाचा मामा फूफा फापी जो भी थे सारे के सारे इस जगह पिट चुके थे। अब भाई कुल मिलाकर मेरे 4 किल हो चुके थे। अब भाई यहाँ पर ना काफी सारे बंदे बचे हुए थे, ऐसा नहीं है बंदे सारे खत्म हो गए थे एंड मेरा टीममेट भी मरने के बाद दोबारा आ गया था, दोबारा जन्म ले लिया था, करण अर्जुन है ना वो। तो अब भाई इस बंदे को मैंने भरा, ये फ्री का किल था क्योंकि भाई पता नहीं किसका नोक पड़ा हुआ था एंड जिसका नोक था पक्का बता रहा हूँ गालियां दे रहा होगा। अब भाई सामने एक बंदा भाग के निकला, लो भाई इसको भी भरा। अब भाई यहाँ पर ना काफी सारे बंदे थे एंड सबको भरने की जरूरत थी क्योंकि भाई किल चाहिए।
फाइनली इस बंदे को भी फिनिश किया एंड 7 किल मेरे हो चुके थे, समझ रहे हो ना कितनी जल्दी। मैं अभी तभी तो कूदा था एंड 7 किल मेरे हो चुके थे। अभी जो बाकी बचे कुचे बंदे थे ना, इनको भरते हैं। एंड इस बिल्डिंग के अंदर मेरे साथ कुछ खतरनाक काम भी होने वाला है, वो आप देखो यार। को पता नहीं थी कि भाई यहाँ पर भी बंदे हैं, क्योंकि भाई ना तो किसी ने नोक मारे थे, ये ऑलरेडी पहली फाइट से अभी तक इनकी ना वो चल रही थी, खिचड़ी चल रही थी, बट यार मैं इनके साथ चढ़ गया। अब भाई इसी के साथ एक बोट मुझे मिला। अब 8-9 किल मेरे यहाँ पर हो चुके थे। अब फाइनली यहाँ पर पिटने की भी बारी थी, क्योंकि आप लोगों ने सोचा नहीं होगा, यार सोचने की क्या बात है, पोचंकी के अंदर कैंपर ना हो तो पोचंकी किस काम की। अभी यहाँ पर मेरे साथ ना इतना खतरनाक काम होने वाला ना, आप देखकर हैप मान जाओगे। अभी मैं यहाँ से निकला, यहाँ से ना मैं निकला था इसीलिए कि भाई थोड़ी और लूट कर लेता हूँ, लेकिन भाई किसी को पता ही नहीं था कि यहाँ बंदे भी हैं। और भी भाई देखो स्मोक के आर पार इतनी गोलियाँ बरसाने वाले हैं ना ये लोग कि भाई मेरी कहानी खत्म करने वाले। तो फिलहाल आज की ये वाली वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू।